कोलोसिया के लोग के वास्ते पॉल के चिट्ठी कोलोसियंस अध्याय एक। पॉल जोन के परमेश्वर चुनिस कि यीशु मसीह के प्रेरित बने और टिमथी जोन उसके पीछे चले वाला है उ लोग के बगल से परमेश्वर के लोग के लगे जोन कोलोसिया में रहे हैं और जोन लोग फेथफुल है और क्रिस्ट के पीछे चले वाला लोग है। हम प्रेयर करता है कि परमेश्वर हमार पिता तुम पे दया करी और तुम्हें शांति से आशीष दे। जब भी हम तुम्हारे वास्ते प्रेयर करता है तब हम हमार प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर के धन्यवाद देता है। हम क्रिस्ट पे तुम्हार विश्वास और परमेश्वर के लोक पे तुम्हार प्रेम के बारे में सुना है काहे कि तुम जोन चीज पे आशा लगाया है वो तुम्हारे वास्ते स्वर्ग में सेफ रही। तुम सबसे पहले ई आशा के बारे में सुना रहा जब तुम सच्चा संदेश जोन की सुसमाचार है उस पे विश्वास करा रहा। सुसमाचार दुनिया भर में बड़ा कामयाबी से फैले है। वही रकम से वो पहला दिन से जब तुम परमेश्वर के सुंदर दया के सच्चाई के बारे में सिखा रहा वो तुम्हार बीच में भी फैला रहा। हमार अच्छा दोस्त एपाफ्रस से वो हम लोग के संगे क्रिस्ट के वास्ते काम करे है और वो तुम लोग के वास्ते एक फेथफुल काम करे वाला है। वही है जोन हम लोग के उप्रेम के बारे में बताइस है जोन परमेश्वर के आत्मा तुम्हें दीस है। पहला दिन जब से हम लोग तुम्हारे बारे में सुना है हम लोग बराबर प्रेयर करता है। वैसे तो हम हरदम प्रेयर करता है कि परमेश्वर तुम्हें वो सब चीज दिखाई जोन वो मांगे है कि तुम करो कि जिससे तुम्हें सब बुद्धि और समझ मिल जाए जोन आत्मा दे है तब तुम्हार लगे वो जीवन रही जोन प्रभु के आदर करे है और तुम हरदम अपन अच्छा काम से उसके खुशी रखेगा। तुम परमेश्वर के और अच्छा से जान लेगा उसके शानदार शक्ति तुम लोग के धीरज दे और तुम्हें इतना ताकत वाला बनाई कि तुम सब चीज सह सकेगा और तब तुम सच्चे में बहुत खुशी होएगा। हम प्रेयर करता है कि तुम परमेश्वर से ग्रेटफुल रहेगा काहे कि वो तुम में उसमन भाग लेवे दीस है जोन वो ज्योति के राज में आपन लोक से वादा करिस रहा। परमेश्वर हम लोग के शैतान के अंधियार शक्ति से बचाइस और हम लोग के आपन प्यारा लड़का के राज में ले आइस जोन हम लोग के पाप के माफी दे है और हम लोग के छुटकारा दे है। मसीह एकदम परमेश्वर के रकम है जोन दिखाई नहीं है वो पहला पैदा भय लड़का है। सब चीज जोन बनावा गए है वो सबसे ऊंचा है। सब चीज वही के द्वारा रचा गई रहा स्वर्ग में सब चीज और धरती पे भी सब चीज जोन देखा जा सके है और जो नहीं देखा जा सके है जितना शक्ति है वो सब वही में है और सब शक्ति और सब अगुआ लोग और अधिकारी लोग सब चीज परमेश्वर के लड़का बनाइस रहा और सब चीज वही के वास्ते बना रहा। परमेश्वर के लड़का सबसे आगे रहा और वही से सब चीज एक्के में बंधा है। वो आपन बॉडी जोन चेच है उसके हेड है वो शुरुआत है और सबसे पहला रहा जिसके मरा में से जिंदा करा गया रहा कि जिससे वो और सबसे ऊपर रह सकी। अपन लड़का में पूरा रहे से परमेश्वर अपने खुशी रहा और परमेश्वर खुशी रहा कि क्रॉस पे अपन खून के बलिदान दे के वो शांति रखे है कि जिससे स्वर्ग के सब जंतु और धरती के लोग भी परमेश्वर के लगे लौटाए लावा जाए। तुम परमेश्वर से बहुत दूर रहा तुम्हार विचार से तुम्हें उसके दुश्मन बनाए दीस और तुम बुरा काम करत रहा लेकिन उसके लड़का इंसान बना और मर गईस। यही कारण परमेश्वर तुमसे समझौता कर लीस और अब वो तुम्हें अपन सामने खड़ा होए दे है वो रकम जोन लोग पवित्र रहे हैं और गलती नहीं करे हैं और भोला भाला है लेकिन तुम अपन विश्वास के जड़ नहीं हिलन देना। तुम वो आशा नहीं छोड़ देना जोन तुम्हें तब मिला रहा जब तुम सुसमाचार सुना रहा। ये तो दुनिया के सब लोग के वास्ते प्रचार करा गए रहा और हम अपने इस संदेश के दास बन गया है। हमें खुशी है कि हम तुम्हार खातिर सहे सकता है।
हम और भी खुशी है कि हम अपन देही में मसीह के बॉडी जो उनकी चेच है उसके वास्ते सहते रहेगा। परमेश्वर के प्लेन रहा कि वो हमें अपन चेच के सेवक बनाए और हमें तुम लोग के लगे पूरा संदेश के प्रचार करे के वास्ते भेजे। सालों साल इस संदेश सबसे लुकवाई के रखा गया रहा, लेकिन अब इसके परमेश्वर के लोग के समझावा गए है। परमेश्वर ऐसे ई वास्ते करिस रहा कि इस सुंदर और महान भेद के तुम सब गैर यहूदी समझो, और भेद ई है कि मसीह तुम में रहे है और वही परमेश्वर के महिमा बाटे में तुम लोग के आशा है। हम मसीह के बारे में वचन सुनाता है और हम लोग आपन सब बुद्धि यूज करता है कि सब के चेतावनी दे और सिखाई कि जिससे मसीह के लोग बढ़े और बड़ा हो जाए। यही खातिर हम इतना मेहनत करता है और वो सब शक्ति यूज करता है जो वो हमें देवे है। कोलोसियंस अध्याय 2। हम मांगता है कि तुम जानो कि तुम्हारे वास्ते हम कितना दुख से गुजरता है, लौदिकिया के सब परमेश्वर के लोग के वास्ते और उस सब विश्वासी लोग के वास्ते जो हमसे कभी नहीं मिलिन है। हम उ लोग के हौसला बढ़ाए के वास्ते ई करता है। तब जैसे उ लोग के दिल एक संघे प्रेम में बंध जाए है, उ लोग के पूरा समझ के सुंदर आशीष मिली और उ लोग सचमुच के क्रिस्ट के जान ली। वो खाली परमेश्वर के भेद के चाभी नहीं है, लेकिन उसमें सब बुद्धि और ज्ञान छिपा है। हम इस सब बात तुम्हें ई कारण बताता है कि तुम लोग के चिकनी चुपड़ी बात से बहक नहीं जाना। जबकि हम तुम्हार संगे नहीं है, फिर भी हम तुम्हार बारे में सोचते रहता है। हमें ई जान के खुशी है कि तुम वही रकम रहता है जैसे तुम्हें रहे के चाही और मसीह में तुम्हार विश्वास बहुत मजबूत है। तुम यीशु मसीह के अपन प्रभु मान लिया है, अब उसके पीछे चलते रहो। मसीह में अपन जड़ जमाए लो और वही के अपन जीवन के फाउंडेशन बनाए लो। अपन विश्वास में मजबूत रहो जैसे तुम्हें सिखावा गया रहा और ग्रेटफुल रहो। कोई के झूठा बात से तुम अपने आप के बहकाए नहीं दो। ये बात शायद सुने में अच्छा लगे, लेकिन ये सब खाली इंसान के टीचिंग है। वो सब इस संसार के शक्ति से आवे है और मसीह के बगल से नहीं। परमेश्वर मसीह में पूरा रहे है और तुम पूरा बड़ा हो गया है, काहे के तुम मसीह के है जो सबके शक्ति और अधिकार के ऊपर है। मसीह तुम में से उस सब सेल्फिश डिजायर्स निकाल लीस है, ठीक वही रकम जैसे खतना होए से देह के मांस निकाल देवा जाए है। और जब तुम बेप्टाइज भय रहा तब वो वही रकम रहा जैसे मसीह के संगे गाड़ा गया है। तब तुम जिंदा करा गया, काहे के तुम में परमेश्वर के शक्ति के विश्वास रहा जो मसीह के मौत से जिंदा करिस। तुम मर गए रहा, काहे के तुम पापी रहा और परमेश्वर के लोग नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर क्रिस्ट के तुम लोग के जिंदा करन दिस जब वो हम लोग के सब पाप के माफी कर दिस। मौजस के कानून नहीं माने के कारण हम लोग के अगेंस्ट जो सजा रहा परमेश्वर उस सब के मिटाई दिस, उस सब के ले जाए के क्रॉस पे नेल कर दिस। वही पे मसीह सब शक्ति और फोर्सेस के हराए दिस। वो पूरा दुनिया के देखे दिस कि कैसे उस सब प्रिजनर्स के रकम ले जावा जात रहा जबकि वो आपन जीत मनाइस। कोई के तुम्हें बताए नहीं देओ कि तुम्हें का खाए के है या का पिए के है। उन लोग के तुम्हें नहीं बताए देओ कि तुम्हें नवा चांद के त्योहार या सबत या कोई और एक त्योहार मनाए के है। ये सब चीज जो आए वाला है उसके खाली एक परछाई है, लेकिन मसीह असली है। उ लोग से धोखा नहीं खाए लेना जो हम्बल बने के दिखावा करे है और जो एंजल्स के वेशिप करे है। उ लोग विजन देखे के बारे में घमन करे है, लेकिन ये सब बकवास है, काहे के उ लोग के दिमाग सेल्फिश डिजायर्स से भरा है। उ लोग अब मसीह जो पूरा बॉडी के हेड है उसके कोई भाग नहीं रही। मसीह वही बॉडी के ताकत देवे है और हड्डी और मांस से उसके एक संघे बांध के रखे है जैसे वो परमेश्वर के शक्ति से बढ़े है।
तुम मसीह के संगे मर गया रहा। अब सब जहान के फोर्सेस के शक्ति तुम्हार ऊपर नहीं है। काहे के तुम ऐसे रहता है कि तुम्हें उस सब रूल्स माने की है, जैसे कि इसके हाथ नहीं लगाओ, उसके टेस्ट नहीं करो, इसके नहीं छुओ। इस सब चीज जब यूज हो जाए है तब इस सब कोई काम के नहीं रह जाए है। तब काहे के जो रूल्स इंसान बनाई से उसके वास्ते चिंता करता है। इस सब रूल्स के माने के शायद देखे में अच्छा लगत हुई, देखे में इस सब तुम्हें परमेश्वर से और प्रेम कराए है और तुम्हें बहुत हम्बल बनाए दे है और तुम्हार बॉडी बस में रहे है, लेकिन इस सब से हम लोग के चाहत के ऊपर कोई शक्ति नहीं रहे है। कोलोसियंस अध्याय 3। तुम क्रिस्ट के संगे जिंदा करा गया है, अब वही पे दिल लगाओ जो स्वर्ग में है, जहां परमेश्वर के राइट साइड पे यीशु राज करे है। सोचो कि हुआ पे का है, ई नहीं कि हिया धरती पे का है। तुम मर गया, इसके मतलब है कि तुम्हार जीवन मसीह जोन परमेश्वर के बगल बैठे है उसके संगे छिपान है। मसीह तुम्हार जीवन के मतलब दे है, और जब वो आई तुम भी उसके संगे महिमा में आएगा। अपन देही के कंट्रोल में नहीं रहो, जितना भी रोंग रकम के सेक्स के चाहत है उसके मार दो। नीच या इंडिसेंट या बुरा ख्याल वाला नहीं रहो, लालची नहीं बनो, वो वही रकम है जैसे मूर्ति पूजन। परमेश्वर उलोक से गुस्सा है जो उसके बात के नहीं माने हैं और इस सब काम करे हैं, और ठीक वही है जो तुम करा है जब तुम उलोक के साथे रहता रहा जो इस सब काम करत रहा। लेकिन अब तुम लोग इस सब काम करे के बंद कर दो। तुम गुस्सा होए के, हेट करे के और दुष्ट बने के छोड़ दो। अब तुम कोई के अपमान वाला या दूसरा के बारे में कड़ा बात नहीं करना, और एक दूसरा से झूठ बोले के बंद कर दो। तुम अपन पुराना लाइफ और रहन सहन छोड़ दिया है। अब तुम लोग में से एक एक नवा जन है। तुम ज्यादा से ज्यादा अपन बनाए वाला के रकम होए लगा है और तुम उसके अच्छा से समझे सकता है। कोई बात नहीं है कि तुम एक ग्रीक है या यहूदी, चाहे तुम्हार खतना भाई से या नहीं। शायद तुम एक बाबेरियन होएगा या साइथियन, और या तो तुम एक गुलाम होएगा या एक आजाद जन, फिर भी मसीह ही है जो कुछ माने रखे है और वो हम सब के भीतर रहे है। परमेश्वर तुम सबसे प्रेम करे है और आपन खास चुना हुआ लोग मानिस है। यही खातिर नरम रहो, दयालु रहो, मीठा बोलो, दीन बनो और धीरज रखो, एक दूसरा के सह लो, और जोन कोई भी तुम्हारे संगे बुरा काम करिस है उसके माफी दे दो, वही रकम जैसे क्रिस्ट तुम्हें माफी दीस है। प्रेम और सब चीज से ज्यादा खास है, यही है जोन से सब चीज पूरा बंधा रहे है। तुम में से एक एक क्रिस्ट के बॉडी के भाग है, और तुम में चुना गया रहा कि सब कोई एक संगे शांति से रहो। तब वही शांति के जोन क्रिस्ट से आए है तुम लोग के सोच के कंट्रोल करन दो, और ग्रेटफुल रहो, मसीह के वचन के अपन जीवन में पूरा भरा रहन दो, जबकि तुम अपन पूरा बुद्धि से सबके पढ़ाओ और एक दूसरा के चेतावनी दो, और अपन दिल में धन्यवाद से परमेश्वर के वास्ते भजन स्तुति के गाना और आत्मिक गाना गाओ। जोन कुछ भी तुम बोलता है या करता है वो सब प्रभु यीशु के नाम से करे के है, जैसे तुम उसके कारण परमेश्वर पिता के धन्यवाद देता है। एक पत्नी के चाही कि वो अपन पति के आगे रखे, एक प्रभु के विश्वासी होए के नाते ई उसके ड्यूटी है। एक पति के अपन पत्नी से प्यार करे के चाही और दुख नहीं पहुंचाए के चाही। बच्चा लोग के अपन अम्मा बप्पा के बात हरदम माने के चाही, इससे प्रभु खुशी रही। अम्मा बप्पा अपन बच्चन पे कड़ाई नहीं करो, अगर करेगा तो वो लोग निराश हो जाए। ए गुलाम, तुम लोग हरदम अपन धरती के मालिक के बात मानो, कोशिश करो कि उलोग के सब टाइम खुशी रखो, खाली वो टाइम नहीं जब तुम सोचता है कि उलोग तुम्हें देखे हैं। प्रभु के आदर करो और अपन मालिक के अपन दिल से सेवा करो,
अपन काम खुशी से करो, वैसे ही जैसे कि तुम प्रभु के सेवा करता है और अपन धरती के मालिक के नहीं। असल में प्रभु यीशु वही है जिसके तुम सचमुच में सेवा करता है और तुम जनता है कि वो तुम्हें इनाम दे। लेकिन क्रिस्ट के कोई अपन फेवरेट नहीं है। जोन भी कोई बुरा काम करी वो उसके सजा दे जैसे उ लोग के मिले के चाहिए। कोलोसियंस अध्याय 4। ए मालिक लोग, अपन गुलाम के संगे फेया और ओनेस्ट रहो। ई नहीं भूलना कि तुम्हारे ऊपर भी स्वर्ग में एक मालिक है। कभी भी प्रेया करे के नहीं छोड़ो, और जब तुम प्रेया करो तब ध्यान रखना और धन्यवाद दो। प्रेया करे के याद रखना कि परमेश्वर हम लोग के वास्ते रास्ता बनाई कि कैसे उसके वचन के हम फैलाए सकेगा और मसीह के भेद के समझाए सकेगा, जबकि यही करे के कारण हम जेल में है। प्लीज प्रेया करना कि हम उ वचन के जितना हो सकी उतना सहज कर दे। जब तुम अविश्वासी के साथे है तब हरदम टाइम के अच्छा से यूज करो। हरदम आनंद में रहना और जब भी संदेश देना याद रखना कि कौन चीज है जोन में उलग इंटरेस्ट रखे है। अपन एक एक बात अच्छा से सोच के चुनना और अगर कोई भी सवाल पूछी तो जवाब देवे के खातिर तैयार रहना। तुकिकुस हमार अच्छा दोस्त है जोन प्रभु के दिल से काम और सेवा करे है और वही तुम्हें हमार बारे में संदेशा दी। हम उसके भेजता है कि वो तुम सब के ई बताए के दिल खुशी करी कि हम सब यहाँ कैसे रहता है। उनेसिमुस जो तुम्हार ग्रुप के है और बहुत प्यारा और विश्वास करे वाला जन है, वो भी उसके साथे आए है। ई दोनों तुम्हें सब कुछ बताई जो यहाँ पे भेज रहा। अरिस्तर्खुस हमार साथे जेल में है और मार्क जोन बरनबास के भैया लगत रहा, वो सब तुम लोग के नमस्ते भेजे है। तुम्हें पहले से बताए देवा गए रहा कि अगर मार्क हुआ आई तो उसके वेलकम करना। यीशु जो न्यूस्तुस के नाम से जाना जाए है, वो भी अपन नमस्ते भेजे है। ये तीन आदमी ही यहूदी लोग में से हमार साथे परमेश्वर के राज के वास्ते काम करीन रहा। ये लोग हमें बहुत सुख दीन रहा। इप्फ्रास जो तुम में से एक रहा जो क्रिस्ट यीशु के सेवा करिस रहा, अपन नमस्ते भेजे है। वो हरदम कस के प्रया करे है कि तुम सब पूरा जाने सको कि प्रभु कौन चीज मांगे है कि तुम करो और तुम उसके पूरा करो। हम देखा कि लौडिकिया और हियरापुलिस के विश्वासी लोग तुम्हारे वास्ते कितना मुसीबत उठाइस रहा। लुका हम लोग के प्यारा डॉक्टर और देमास भी अपन नमस्ते भेजे है। हमार नमस्ते लौडिकिया के विश्वासी लोग के दे देना, खास करके नुम्फास और उचेच के जो उसके घर में मिले है। जब ये चिट्ठी अपन लोग के पढ़ के सुना देना तब देखना कि लौडिकिया के चेच के लोग के भी पढ़ के सुनावा जाए है। और हमार ऊ चिट्ठी जो हम उ लोग के वास्ते भेजा है उसके भी पढ़ लेना। आर्किपुस के याद कराना कि जोन काम प्रभु उसके करे के दिस है उसके करना। हम अपने आप ई चिट्ठी के साइन करता है। पॉल, ई नहीं भूलना कि हम जेल में है। हम प्रेया करता है कि परमेश्वर तुम पे दया करी।